फिर चली गोली, किसने लगाई इसकी बोली, किसने किया बलात्कार, क्यों हो जाती है सिस्टम लाचार, सब होगा बेनकाब, नहीं चलेगा अपराध का खेल। देखते रहिए प्रत्येक न्यूज लाइव पर क्राइम सीन। नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बक्सौती बाजार में मकान निर्माण को लेकर जमीन विवाद को लेकर दो लोगों के बीच झड़प हो गई, जिसकी सूचना स्थानीय थाना गोविंदपुर को कैलाश लाल ने लिखित आवेदन देकर किया है। आवेदन के मुताबिक थाना प्रभारी ने एसआई राम प्रवेश कुमार तथा पुलिस बल को भेजकर इसका जायजा लिया। घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। मकान निर्माण कार्य को तत्काल रोक दिया गया। समस्या हमारा टाइटल में केस चल रहा है सर, सब्जेक्ट 4 में। क्या चीज का टाइटल? जमीन का ही प्लॉट का। जमीन का? खाता नंबर? खाता नंबर सर हमारे मुजवानी हाथ नहीं लगे, खाता नंबर है। खाता नंबर आपके पास है? आप तो बताइए सर, आपका टाइटल केस क्या चल रहा है? टाइटल केस चल रहा है सर कि मेरा यहाँ का हिस्सा है, उसका हिस्सा भाई का कलकत्ता में। तो ये आपका जमीन जैसे भाई का? नहीं, भाई का नहीं है। नहीं, तो कुछ भी नहीं भाई का। तो इस पर आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि जो कोर्ट फैसला देगा उसी को मानेंगे, आप किसी का बात नहीं मानेंगे। मानिए जमीन जो बना रहा है तो उसके साथ में आप क्या रोक लगा रहे हैं? हाँ हाँ, पूरा रोक लगा रहे हैं। रोक लगाने में हमको मारा है, पीटा है, बहुत जोर से हर तरह का मारा, लाठी बर्बाद कर दिया, माता दिया, एकदम बतौड़ी का उठा। एक चीज बताइए, जो जमीन खरीदा क्या उसके पास केवाला है या नहीं? केवाला है, फौजदारी केवाला है। फौजदारी केवाला? तो आपका भाई इस बात को सबूत करेंगे ना कि भाई, भाई 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 को बुलावे, अपने उठवा ले। हम तो इसमें राय दे रहे हैं कि भाई को बुलाइए, आप उठवाइए, कानून से परे नहीं है। भाई क्या बताए हैं कि हमको भाई से 24 फीट। कितना जमीन आप इसमें बेचे हैं क्योंकि अगला पार्टी उठा रहा है? अगला पार्टी उठा रहा है सो ये उठा रहा है सो ये उठा रहा है आपको 7 फीट 24 फीट। 7 फीट और 24 फीट। इस पर आप कह रहे हैं कि टाइटल के अगला पार्टी कौन आपका जबरन मकान बना रहा है? प्रमोद लाल जबरन मकान बना रहा है। आपके पास कोई कागजात नहीं है और आपके जमीन में मकान बना रहा है? कागज है। इसके लिए आप कहाँ लिखेंगे? टाइटल सूट में सब्जेक्ट 4 जज के दिए। लेकिन प्रमोद कुमार को तो कहना है कि हमने रजिस्ट्री लिए हैं और उसका केवाला मेरे पास है, तो इस पर आप क्या करते हैं? आप रजिस्ट्री लिए तो उसको बुलाइए, उठवाइए। किसको बुलाया जाएगा? भाई को। भाई को आपका? हाँ, कुमार हुआ। अच्छा, बताइए कि इस जमीन में क्या विवाद चल रहा है, प्रशासन क्यों आई हुई है? प्रशासन किनके कंप्लेन पे आई है हमें नहीं बताया जा रहा है, केवल बताया जा रहा है कि काम बंद किया जाए। तो क्या काम बंद कर दें? तो अब बोलते हैं कि नहीं, अगर बंद करेंगे तो उठा कर लेके चल जाएंगे, थाना बंद कर देंगे। अच्छा, बताइए जमीन क्या आपने बाप पिताजी का है या कि खरीदे? नहीं, हमने जदुनंदन लाल से 2 डिसमिल जमीन खरीदे हैं, जो उनका अपना हिस्सा था। क्या उसका केवाला है तुम्हारे पास? हाँ, उनका केवाला मेरे पास है। लेकिन अगला पार्टी को कहना है कि वो फौजदारी रजिस्ट्री करवाया है, क्या सही बात? अगर मैंने फौजदारी केवाला करवाया है तो सीओ साहब फौजदारी मोटेशन कर दिए क्या? रसीद जो मेरा हर साल कट रहा है वो फौजदारी है क्या? कंप्यूटर से जो रसीद कट रहा है वो भी फौजदारी है? कंप्यूटर पे भी चढ़ा हुआ है मेरे नाम पे डिमांड। आप हकीकत में रजिस्ट्री? हाँ, हमारे नाम पे हकीकत में रजिस्ट्री है। और जो कह रहे हैं, जो कि गलत बता रहे हैं, वो अपने हिस्से को 3 व्यक्ति के नाम पे बेचे हैं, जिसका भी हमारे पास प्रूफ है। आधा डिसमिल संजय सिंह अनूप कुमार, आधा डिसमिल सीताराम महतो और 1 डिसमिल अस्मिता कुमारी पति उपेंद्र कुमार के नाम पे बेचे हैं। यानी वो अपना हिस्सा का बेच लिए हैं। हाँ, दूसरे हिस्सा पर, दूसरे के हिस्सा पे बनाने के लिए मकान नहीं दे रहे, कहते हैं कि वो रंगदारी देंगे तब बनाएंगे। लेकिन उनका कहना है कि ये पूरे हिस्सा मेरा ही है। वो ये उनके नाम पे केवाला वो दिखाए, अगर उनके नाम पे रसीद है तो हम अपनी जमीन को छोड़ देंगे, उनके नाम पे हम दे देंगे। प्रमोद कुमार हुआ, मैं बक्सौती का निवासी हूँ। मेरे गांव के ही कैलाश लाल, पिता स्वर्गीय दुसादी लाल, हमने 2 डिसमिल जमीन खरीदा है जद्दू लाल से,
वो जिसका खाता नंबर 7 प्लॉट नंबर 233 और मकान बनाने के लिए हम जब तैयार हुए तो बनाने लगे तो कैलाश लाल वहाँ पे पहुँचे और बोले कि हमें पहले 50,000 रुपये रंगदारी दो, नहीं दोगे तो मकान बनाने के लिए नहीं देंगे, और साथ साथ किडनैप करने का धमकी दिए हैं पूरे परिवार का और हत्या करने का भी धमकी दिए हैं। इसका हमने लिखित आवेदन माननीय SP साहब को दिए हैं और थाना प्रभारी को भी दिए हैं और CO साहब को भी दिए हैं। कैलाश लाल के साथ आपको ही आया कि कैलाश लाल ही है? कैलाश लाल और उनके सहयोग भी हैं जो अभी नजर नहीं आ रहे हैं। लेवी नहीं देने पर पूरे परिवार का किडनैप या हत्या करने की धमकी दी है।